हेलो फ्रेंड्स फाउंडेशन ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेक्चर में हम लोग लाइब्रेरीज़ और पैकेजेस के बारे में बात करेंगे अब पहला सवाल तो यही आता है कि ये लाइब्रेरीज़ और पैकेजेस होते क्या हैं आपको याद होगा कि पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने इस बारे में बात करी कि आर सॉफ्टवेयर के अंदर कार्य करने की बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं लेकिन उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास पैकेजेस होते हैं कुछ पैकेजेस हमारे उस आर सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं कुछ हमारे बाहर के पार्ट होते हैं तो उनसे हम कैसे काम करें और उनको हम कैसे मैनेज करें और उनसे रिलेटेड हमारे जो भी डिफरेंट तरीके के फंक्शंस होते हैं कमांड्स होते हैं वो क्या क्या हैं उसी के बारे में हम आज बात करेंगे लेकिन लाइब्रेरीज़ और पैकेजेस के बारे में बात करने के पहले मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण लेके यह समझाना चाहूँगा कि आर में वो काम करते कैसे हैं अब ये बात समझने के लिए आपको ध्यान है कि आपके जो कॉलेज में स्कूल में यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरीज़ होती हैं वो कैसे काम करती हैं और उसके पहले तो सवाल आता है कि ये लाइब्रेरी होती क्यों है तो एक मूलभूत सवाल हमारा ये आया कि लाइब्रेरी है क्यों उसका कारण बहुत ही सिंपल है अब एक स्टूडेंट होने के नाते मुझे किसी नए विषय में किसी टॉपिक के बारे में सीखने की इच्छा है अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं हम उस टॉपिक या सब्जेक्ट से जो रिलेटेड पुस्तक है उसको मैं ख़रीद लूँ और दूसरा ऑप्शन है कि मैं अपने इंस्टीट्यूट की कॉलेज की यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाऊं और वहां से ले आऊं अब पुस्तकों को ख़रीदना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है महंगी भी होती हैं और इनको स्टोरेज की समस्या आती है और अगर हम पुस्तकें खरीदेंगे तो कहाँ तक ख़रीदेंगे इसके लिए हम लाइब्रेरीज़ का सहारा लेते हैं अब आपको ये समझना है कि लाइब्रेरी से आप जब कोई किताब या पुस्तक ले करके आते हैं तो इस पूरी पूरी प्रोसेस में हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स होते हैं आपका पहला स्टेप क्या होता है सबसे पहले आप लाइब्रेरी में जाएंगे और वहाँ पे अपने विषय से संबंधित जो भी किताब है उसको ढूंढेंगे। और अगर वो किताब नहीं होती है तो आप वहाँ पे लाइब्रेरी में उस आप उसको ऑर्डर भी करते हैं तो किताब वहाँ पर आ जाती है कुछ समय के बाद में अब वह किताब आपकी लाइब्रेरी के अंदर आ गई आप वहाँ पे जाएंगे उस किताब को ढूंढेंगे, ढूंढ दून करके वहाँ पे एक काउंटर होता है वहाँ पर ले करके आएंगे, वहाँ पर जो भी बैठा हुआ व्यक्ति होता है वो उस किताब को आपके नाम पर इशू कर देता है आप उस किताब को ले करके अपने हॉस्टल घर जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर आते हैं पुस्तक से काम करते हैं पढ़ते हैं समझते हैं और जब आपका कार्य ख़त्म हो जाता है तो आप उस पुस्तक को जा करके लाइब्रेरी में वापस कराते हैं ये जो हमारे सारे स्टेप्स हैं अगर इसमें से कोई भी स्टेप अगर हम फॉलो नहीं करते तो क्या होगा कभी इसके बारे में सोचा है आपने कि अगर हम मान लीजिए कि लाइब्रेरी से किताब को अपने हॉस्टल या घर ले करके आते हैं और वापस नहीं करते हैं तो हमारे कमरे में उनका भंडार होता जाएगा और एक समय के बाद शायद वहाँ पे जगह भी ना बचे कि हम उसको कैसे मैनेज करें नंबर वन नंबर टू अगर हम किताबों को खाली परचेज़ करना शुरू कर दें ख़रीदना शुरू कर दें वो भी अपने में एक समस्या है मुझ जैसा इंसान तो बहुत किताबें नहीं खरीद पाएगा तो इस तरह तो और उसके अलावा आप अगर आपको अगर किताबें नहीं मिलती हैं वो भी अपने में एक समस्या है तो हम इन समस्याओं के बारे में बात नहीं करेंगे हमने जो भी एक लाइब्रेरी का फंक्शन है उसको समझ लिया है और वही प्रोसेस हमारे आर सॉफ्टवेयर के अंदर भी फॉलो करी जाती है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर वो कैसे होती है अब कंसेप्ट में अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये बहुत आसान काम है जैसा हमने देखा है कि हम जो भी आर सॉफ़्टवेयर को आर प्रोजेक्ट डॉट ओ आर जी की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं और उसको हम इंस्टॉल करते हैं अब आर सॉफ्टवेयर के थ्रू हम बहुत सारे काम कर सकते हैं तो जब भी आर सॉफ्टवेयर की जब प्रोग्रामिंग करी गई तो ये सोचा गया कि अगर हम सारे सारे कार्यों को करने की फंक्शनैलिटीज़ को अगर हम उसी सॉफ्टवेयर के अंदर डाल देंगे तो हमारे सॉफ्टवेयर का साइज़ बहुत बड़े साइज़ का हो जाएगा और फिर उसको डाउनलोड करना भी कठिन होगा अपलोड करना भी कठिन होगा उसके लिए आपको अच्छी इंटरनेट की स्पीड चाहिए आपके कंप्यूटर में जब आपने उसको इंस्टॉल किया है, तो उसमें आपको ज्यादा स्पेस चाहिए इत्यादि तो क्या किया गया कि यह सोचा गया कि कौन से कार्य ऐसे हैं जिसमें प्राय बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे करने में उन सभी कार्यों की एक लिस्ट बना करके उन सारे सारे फंक्शंस को और जो भी आर सॉफ्टवेयर कर सकता है उसको आर के उस पैकेज में डाल दिया गया और उस पैकेज का नाम दिया गया बेस पैकेज तो जो आप आर सॉफ्टवेयर की वेबसाइट से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं वो एक्चुअली बेस पैकेज है अब आपको कोई एक पर्टिकुलर कार्य करना है उसके लिए आपको क्या करना है आपको आर प्रोजेक्ट की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाना है और उस कार्य को करने के लिए जो भी पैकेज है उसको वहाँ से अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद में आपने देखा है कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप अगर डाउनलोड करते हो उसके बाद उसको इंस्टॉल करना होता है तो आप उस पैकेज को अपने आर सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल करोगे अब इंस्टॉल तो हो गया लेकिन आपने देखा है कि जब भी कभी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना होता है तो हमारे पास डेस्कटॉप पे या कहीं पे एक एक आइकन बना होता है जहाँ पे हम क्लिक करते हैं उसके बाद हमारा आर सॉफ़्टवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर हमारे स्टार्ट होता है और जब हम सॉफ्टवेयर में काम कर चुके होते हैं तो हम उस सॉफ़्टवेयर को क्लोज़ कर, कर, कर देते हैं एग्जिट कर जाते हैं क्विट कर देते हैं इत्यादि उसी तरीके से जब मैंने अपने पैकेज को डाउनलोड कर लिया उसके बाद में मैं उसको इंस्टॉल करता हूँ इंस्टॉल तो हो गया लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए मैं उसको अपने आर सॉफ्टवेयर में लोड करने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं अपना कार्य करता हूँ और अपनी एनालिसिस करने के बाद में जब मेरा कार्य समाप्त हो जाता है तो मैं उसी पैकेज को अनलोड भी कर देता हूँ सो दैट कि हमारे कंप्यूटर की स्पीड में या उसके मैनेजमेंट में कोई दिक्कत ना आए और बहुत ज़्यादा स्पेस ना खर्च हो तो अब ये सारे कार्य आर सॉफ्टवेयर में कैसे किए जाए इसके हमारे क्या क्या कमांड्स होते हैं क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम आज यहाँ पर बात करेंगे तो चलिए हम इस पैकेजेस और लाइब्रेरीज़ के बारे में आज इस लेक्चर में बात करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इनको हम कैसे करते हैं चलिए ओके सो सबसे पहला तो सवाल आता है कि लाइब्रेरी होती क्या है आपने कभी इस तरह की पिक्चर देखी है ये शायद प्रायः हर एक लाइब्रेरी के अंदर ऐसा ही होता है यहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी होती हैं लोग बैठे होते हैं टेबल्स पड़ी होती हैं और लोग वहाँ पे अपना काम कर रहे होते हैं और बुक्स को पढ़ रहे होते हैं तो ये लाइब्रेरी होती क्या है तो ये लाइब्रेरी हमारी क्या है ये हमारी बहुत सारी बुक्स मीडिया इत्यादि का एक कलेक्शन होता है जो जो चीज़ें वहाँ पर रखी रहती हैं और लोग उनको जा के इस्तेमाल करते हैं वो खाली दिखाने के लिए नहीं होती हैं और उस लाइब्रेरी को इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी कोई इंसान उसको यूज़ करना चाहता है वो लाइब्रेरी में जाता है और अप, और उसको जिस तरह की पुस्तक की आवश्यकता होती उसको है उसको ढूंढता है उसको काउंटर पे लाता है उसको इशू कराता है और पढ़ने के बाद जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो उसको वो जा कर के लाइब्रेरी में वापस कराता है क्योंकि अगर वापस नहीं करेगा तो अपने घर घर के अंदर वो अपने या अपने हॉस्टल के रूम के अंदर कितनी किताबें रखेगा अब यही कॉन्सेप्ट हमारा आर सॉफ्टवेयर के अंदर भी आता है आर सॉफ्टवेयर के अंदर भी लाइब्रेरी होती है और लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं उसके अंदर हमारे जो आर सॉफ्टवेयर के पैकेज होते हैं तो जिस तरह से हमारी लाइब्रेरी में पुस्तकें होती हैं उसी में आर सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी में हमारे पैकेजेस होते हैं और ये पैकेजेस क्या होते हैं ये जो पैकेजेस होते हैं ये हमारे भिन्न भिन्न तरह के प्रोग्राम डेटा सेट इत्यादि का कलेक्शन होता है जिसको अलग अलग साइंटिस्ट ने एकेडमिशन ने उन लोगों ने उसको डेवलप किया है और इससे एडवांटेज क्या होता है जैसा हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि आर सॉफ़्टवेयर के अंदर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कोई भी इंसान अपनी अगर रिसर्च कर रहा है या कुछ अगर नया डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है तो उसका वो प्रोग्राम तैयार कर सकता है और उस प्रोग्राम को आर सॉफ्टवेयर की वेबसाइट पर डाल दिया जाता है और कोई भी इंसान अगर उस के कार को इस्तेमाल करना चाहता है तो वो वहाँ से उसके प्रोग्राम को डाउनलोड करके डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकता है और उसके लिए उसको फिर से प्रोग्रामिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो इससे क्या होता है कि जो आर सॉफ्टवेयर की जो फंक्शनैलिटी है जो उसके एप्लीकेशंस हैं वो बहुत बड़े आते हैं और आम इंसान को इससे बहुत सुविधा होती है अब जब आर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की बात आई तो सवाल ये आया कि कौन कौन से फंक्शंस को हमको सॉफ्टवेयर में डालना चाहिए अब उसमें से हमारे पास दो तरह के फंक्शंस आए कुछ कार्य तो ऐसे हैं जो कि प्रायः बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे करने के लिए तो उस तरह के जो हमारे कॉमन फंक्शंस होते हैं उनको एक पैकेज में डाल दिया गया और उसका नाम दे दिया गया बेस पैकेज बेस मतलब आधार ये आधार है मतलब आप इसको इंस्टॉल करिए इसके ऊपर आपको कोई भी पैकेज आपको अलग से चाहिए आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो सो so, जो हमारे कॉमन वर्क होते हैं कॉमन जॉब्स होते हैं उनको हमने आर के बेस पैकेज में इनकापोरेट कर दिया और यहाँ से हमारे काम आगे बढ़ गया अब आप अगर ये सोचिए कि अगर हमारे पास आर के बेस पैकेज के अंदर हर तरह के कार्यों को करने के अगर प्रोग्राम्स और फंक्शन को ऐड कर दिया जाएगा तो क्या होगा इस सॉफ्टवेयर का साइज़ बहुत बड़े साइज़ का हो जाएगा और उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होंगे जिसको शायद हर कोई इस्तेमाल भी नहीं करना चाहेगा कसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं मीन निकालने की वेरिएंस निकालने की तो हो सकता है कि जो आम आदमी है उसको निकालने में इंटरेस्टेड होता हो लेकिन अगर हम रिग्रेशन मॉडलिंग की या क्लस्टर एनालिसिस की स्टैटिस्टिक्स में बात करते हैं तो हर एक इंसान हो सकता है कि उसमें इंटरेस्टेड ना हो तो अब जो जिस आदमी को क्लस्टर एनालिसिस करनी है उसको खाली क्लस्टर एनालिसिस के टूल चाहिए और उसको रिग्रेशन एनालिसिस से कोई मतलब नहीं है और जिस इंसान को रिग्रेशन एनालिसिस करनी है उसको क्लस्टर एनालिसिस के टूल की कोई आवश्यकता नहीं है तो जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है हम उसको अपने घर में क्यों लेकर के आएंगे इसीलिए जो हमारे आर सॉफ्टवेयर के स्पेशलाइज फंक्शन थे उनको करने के लिए अलग अलग पैकेज तैयार कर दिए गए और उनको आर के बेस पैकेज में ऐड नहीं किया गया अब फॉर एग्जांपल की कैसे हमने एक उदाहरण के लिए लिया कि हमको अगर मान लीजिए क्लस्टर एनालिसिस करनी है ये क्लस्टर एनालिसिस में हम क्या करते हैं ये हमारी स्टैटसिस का टूल होता है और चूँकि हमें चूँकि मेरी बैकग्राउंड स्टैटसिस की है तो हम तो हम आपको यहाँ पे जो भी उदाहरण लेते हैं वो प्रायः इस्टेटसिस के ही होते हैं सांख्यिकी के ही होते हैं तो अब ये जो क्लस्टर एनालिसिस होती है ये हमारे भिन्न भिन्न तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको एक साथ ग्रुप करने की मैथोलॉजी होती है अब डेफिनेटली हर इंसान तो क्लस्टर एनालिसिस में इंटरेस्टेड नहीं होगा जहाँ पर हमारे पास बहुत बड़े साइज़ का डेटा है और उसको हम डिफरेंट ग्रुप्स में अगर हम हम क्लासिफाई करना चाहते हैं तभी हम क्लस्टर एनालिसिस में हम इंटरेस्टेड होंगे इसीलिए इस क्लस्टर एनालिसिस की जो फंक्शनैलिटी है उसको बेस पैकेज में ऐड नहीं किया गया बल्कि उसके लिए एक क्लस्टर नाम का एक पैकेज डेवलप कर दिया गया और यह पैकेज जो उस क्लस्टर एनालिसिस के जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको उसके बारे में पूरी पूरी जानकारी है उन लोगों ने यहाँ पे डेवलप किया और यह पैकेज आर प्रोजेक्ट डॉट ओ जो जो हमारी आर सॉफ्टवेयर की वेबसाइट है वहाँ पर इसको अपलोड कर दिया गया और जब भी किसी को इसकी कभी भी आवश्यकता होती है वो वहाँ पे जाएगा वहाँ से डाउनलोड करेगा और उसको इस्तेमाल करेगा और ये सब होगा फ्री इसके लिए उसे कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है राइट right. उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि आर सॉफ़्टवेयर में हमारे पास एक और सुविधा है कि कोई भी इंसान अगर कोई अपना काम कर रहा है तो अपने उस कार को वो प्रोग्राम्स के फॉर्म में लिख सकता है और उसको वो आर की भाषा में भिन्न भिन्न तरीके के फंक्शंस और उससे रिलेटेड हमारे डेटा सेट्स हैं उनको सबको एक लाइब्रेरी के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकता है और ये जो लाइब्रेरीज़ होंगी जैसे मैंने नाम लिया क्लस्टर का तो क्लस्टर में की एनालिसिस करने के लिए जो हमारे टूल होंगे जो उसमें हमारे डेटा सेट इस्तेमाल होते हैं जो उसके धारक में हमने डिफ़रेंट तरीके के डेटा से इस्तेमाल किए हुए हैं वो सब एक लाइब्रेरी के फॉर्म में उनको क्लब कर देगा और वो हमारा आर सॉफ़्टवेयर की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा अब सवाल ये आता है कि अगर हमको इस लाइब्रेरी को इस्तेमाल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा तो उस लाइब्रेरी को इस्तेमाल करने के लिए जब आपने इस पैकेज को अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लिया है उसके बाद में इस लाइब्रेरी को इस्तेमाल करने के लिए आपका कमांड है लाइब्रेरी एल आई बी आर ए आर वाई और सब कुछ ये इंग्लिश के जो भी लोअर केस अल्फाबेट्स होते हैं उसमें लिखा गया है तो आपको लिखना है लाइब्रेरी और इस्पैरेंथिस के अंदर आपको उस पैकेज का नाम लिखना है जो या जिस लाइब्रेरी को आप यूज़ करना चाहते हैं उसका आपको नाम लिखना है जैसे उदाहरण के लिए एक हमारी लाइब्रेरी होती है स्पेशल एस पी ए टी आई ए -E एल ये हमारी सांख्यिकी में स्पेशल एनालिसिस करने में इस्तेमाल होती है अगर मुझे एक स्पेशल एनालिसिस करनी है तो उसके लिए मुझको स्पेशल लाइब्रेरी की आवश्यकता पड़ेगी इसके लिए जो भी पैकेज है उसको मैंने इंस्टॉल कर लिया है पहले पैकेज को कैसे इंस्टॉल करेंगे इसके बारे में अभी हम बात करेंगे अब स्पेशल लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए हम अपने आर जी यू आई विंडो में या आर कंसोल में कमांड लाइन पे टाइप करेंगे लाइब्रेरी और पैरेंथेसिस में टाइप कर देंगे स्पेशल एस पी ए टी आई ए एल राइट और इसके बाद में यह लाइब्रेरी हमारे कंप्यूटर से उठ करके आर सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगी और अब इसके बाद हम अपने इस लाइब्रेरी के जो भी कमांड्स होते हैं उनको इस्तेमाल कर पाएंगे तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास आर सॉफ़्टवेयर में दो तरह की लाइब्रेरीज़ होती हैं कुछ जो हमारी लाइब्रेरीज़ हैं वो हमारा आर का जो बेस पैकेज है उसका हिस्सा होती हैं और बाकी लाइब्रेरीज़ ऐसी होती हैं जो भिन्न भिन्न तरह के आ, जो भी हमारे कार्य होते हैं उनके लिए जो हमारे एक्डमिशियन है जो उस एरिया के एक्सपर्ट हैं उन लोगों ने उन लाइब्रेरीज़ को डेवलप कर दिया है और वो हमारी नीड बेस होती हैं जब हमको आवश्यकता होगी तभी हम उसका यूज़ करना चाहेंगे और वो डिपेंड करता है कि कौन सा इंसान किस तरह के एनालिसिस कर रहा है और उसके लिए किस तरह की उसको लाइब्रेरी की आवश्यकता है तो अब मैं आपको यहाँ पर कुछ लाइब्रेरीज़ के उदाहरण लेता हूँ जो हमारे बेस पैकेज के साथ में आती हैं और जो हमारी यूज़र डिफाइंड होती हैं जो अलग से हम उसको इस्तेमाल करते हैं डाउनलोड करके तो ए, हमारे पास मैं यहाँ पे आपको उदाहरण के लिए दो लाइब्रेरीज़ के एग्जांपल दे रहा हूँ एक है मास और एक है एम ये दो लाइब्रेरीज़ हैं जो हमारे बेस पैकेज के साथ में आती हैं अब ये लाइब्रेरीज़ हैं क्या जैसे ये मैंने लिखा ना मास आप देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है कैपिटल अल्फाबेट्स में एम ए डबल एस ये जो एक्चुअली में आया है मास शब्द ये यहाँ से आया है आ, आपको मैंने पहले बताया था कि जब आर सॉफ़्टवेयर का डेवलपमेंट हुआ तो उसके साथ में एक एस प्लस सॉफ्टवेयर उससे पहले आया था और उसी की बेसिस पर आर सॉफ़्टवेयर को भी डेवलप किया गया तो जब आ, आ, आ जब ये एस प्लस सॉफ्टवेयर आया था तो इसको समझने के लिए प्रोफेसर वेनेबल्स और रिप्ले ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था मॉडर्न अप्लाइड स्टैट्सटिक्स यूजिंग एस प्लस तो यहाँ से मॉडर्न का एम अप्लाइड का ए स्टैट्सटिक्स का कैपिटल एस और एस प्लस का ये कैपिटल एस इन अक्षरों को जोड़ करके ये जो पैकेज हमारा बन गया है मास तो ये जो पैकेज है इसके अंदर इस मॉडर्न अप्लाइड स्टैटस्टिक्स यूजिंग एस प्लस किताब के अंदर जो भी फंक्शंस थे प्रोग्राम्स थे डेटा सेस थे इत्यादि उनको यहाँ पे एक साथ कंपाइल कर दिया गया है उसके पीछे कारण है कारण ये है कि जैसा हम लोगों ने पहले बात करी थी कि जब ये एस प्लस सॉफ्टवेयर आया था उसके बाद से आर सॉफ़्टवेयर का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग जो लोग एस प्लस को यूज़ कर रहे थे इस्तेमाल कर रहे थे उनको आर मेज स्विच करना था तो इसके जो बेसिक कमांड सिंटैक्स फंक्शंस हैं जो भी हैं आर के अंदर वो आर से मिलते जुलते बनाए गए तो उसमें से जो लोग पहले एस प्लस इस्तेमाल कर रहे थे उनको आर के बारे में पता था और हमारे ज़्यादातर कमान उनके सिंटैक्स उनके फंक्शंस सब बिल्कुल आइडेंटिकल थे इसीलिए इस किताब के जो भी डेटा सेट्स से, से कमांड थे उनको भी एक साथ कंबाइन कर दिया गया जिससे कि जो लोग उस बुक के एग्जांपल्स को आर सॉफ्टवेयर के अंदर भी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो उसको आराम से कर सकें उसी तरीके से हमारे पास एक और पैकेज है एम जी सी वी एम स्मॉल जी स्मॉल सी स्मॉल वी ये जो पैकेज हमारा है ये हमारे जनरलाइज एडिटिव मॉडल्स होते हैं सांख्यिकी में ये उनको इस्तेमाल करने में काम आता है लेकिन मैंने आपको आपको यहाँ पे दो धारण दिए हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कि, कि हमारे आर सॉफ्टवेयर में इस तरह की यूजर डिफाइन खाली हमारी दो ही लाइब्रेरीज़ होती हैं इसके अलावा बहुत ढेर सारी हमारी लाइब्रेरीज होती हैं लेकिन मैंने आपको खाली यहाँ पे दो उदाहरण दिए हुए हैं बाकी आपको मैं कमान बताऊँगा उसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ हैं उसी तरीके से हम आपको यहाँ पर दो लाइब्रेरीज़ के उदाहरण दे रहे हैं स्पेशल और बूट ये दो दोनों लाइब्रेरी हैं ये आपके आर के बेस पैकेज के साथ में नहीं आती हैं अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको अपने इस्टेसिस के एनालिसिस में स्पेशल एनालिसिस का इस्तेमाल करना है अब स्पेशल एनालिसिस को इस्तेमाल करने वाले तो बहुत कम लोग होंगे उसके लिए स्पेशल एनालिसिस के अंदर जो भी हमारे टूल्स होते हैं उनका उनकी प्रोग्रामिंग करके और जो उससे संबंधित डेटा सेट्स हैं उनको एक स्पेशल नाम के पैकेज के अंदर कंबाइन कर दिया गया और उसी तरीके से हमारी स्टैटिस्टिक्स में एक और मेथोडोलॉजी होती जिसको हम कहते हैं बूट स्ट्रैप मैथडोलॉजी राइट तो उसी तरीके से अगर हमको बूट स्ट्रैप मैथलॉजी को इस्तेमाल करना है तो ऑब्वियसली उसको भी इस्तेमाल करने वाले बहुत लोग नहीं होंगे जिनको आवश्यकता है सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए उन्होंने बूथ स्टैपिंग मेथडोलॉजी के जो भी कमांड्स होते हैं डेटा सेट्स होते हैं इत्यादि उनको उन्होंने बूट नाम के पैकेज के अंदर स्टोर कर दिया और उसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे हमारे पास और भी कॉन्ट्रीब्यूटेड पैकेजेस हैं जिसके बारे में हम लोग ने जो हमारे प्रारंभ के लेक्चर्स थे उसमें बात भी करी थी कि हमारे पास इन कॉन्ट्रीब्यूटेड पैकेजेस की संख्या कितनी बढ़ गई है आज के समय में ओके okay, तो अब ये बात आती है कि ये तो हमने कॉन्ट्रीब्यूटेड पैकेजेस और दो इन पैकेजेस की बात करी लेकिन अगर आपको इनको इस्तेमाल करना है तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए उसके लिए हमारा कमांड है लाइब्रेरी ये जो कमांड है लाइब्रेरी इसके थ्रू हम किसी पैकेज को लोड करते हैं और पैकेज क्या होता है पैकेज हमारा भिन्न भिन्न तरह के फंक्शन प्रोग्राम को एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है जैसे कि लोग इसको, इसको इस्तेमाल कर सकें ओके okay, तो अब हम आपको पहले ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो भिन्न भिन्न तरह के हमारे पैकेजेस होते हैं आपकी इच्छा होती है कि इन पैकेजेस के अंदर है क्या इनके कंटेंट्स क्या है आप उसको देखना चाहेंगे राइट right, तो किसी भी पैकेज के कंटेंट्स को अर्थात पैकेज के अंदर क्या क्या है उसको देखने के लिए हमारे पास एक कमांड होता है उसका है नाम पैकेज डिस्क्रिप्शन पी ए सी के ए जी ई डी ई एस सी आर आई पी टी आई ओ एन राइट अब लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक सावधानी रखनी है आप देखेंगे कि इस नाम में सारे सारे जो हमारे अक्षर हैं ये तो लोअर केस अल्फ़ाबेट में लिखे हुए हैं लेकिन जो डी है ये हमारा कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है तो ये मैं बात आपको और भी विस्तार से बताऊंगा लेकिन मैं यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा आर सॉफ्टवेयर है ये केस सेंसिटिव होता है मतलब कि अगर हम आर प्रोग्रामिंग में अगर हम स्मॉल वाई और कैपिटल वाई दोनों को यूज़ करें तो ये दोनों हमारे अलग अलग होते हैं दोनों हमारे तीम नहीं होते हैं कि आपने स्मॉल वाई और कैपिटल वाई दोनों को एक ही कर दिया अगर आपने लिखा स्मॉल वाई इक्वल टू थ्री और कैपिटल वाई इक्वल टू फाइव तो स्मॉल वाई और कैपिटल वाई की दोनों की वैल्यू अलग आएगी इसीलिए जो भी हमारे यहाँ पर पैकेज की या जो फंक्शन के नाम होते हैं उनको जिस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है आपको उसी रूप में यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा जो चीज़ लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखी हुई है उसको आपको लोअर में लिखना है और जो चीज़ अपर केस अल्फ़ाबेट्स में में अगर लिखी हुई है तो उसको आपको अपर केस अल्फ़ाबेट्स में ही लिखना है तो जो चीज़ स्मॉल लेटर है उसको स्मॉल लेटर और जो चीज़ कैपिटल लेटर है उसको कैपिटल लेटर वैसे ही लिखना है बहू ओके अब हमको मान लीजिए मालूम करना है कि ये जो एक स्पेशल लाइब्रेरी है इसके कंटेंट्स क्या हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे पैकेज डिस्क्रप्शन और पैरेंथिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर हम लिख देंगे उस लाइब्रेरी का नाम स्पेशल और जो हमको देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कुछ वो ऐसा हमने आपको यहाँ पर इसका स्क्रीन दिया हुआ है कि यहाँ पर पैकेज क्या का क्या नाम है स्पेशल प्रायरिटी वर्जन डेट डिपेंजे एस इत्यादि इत्यादि ऑथर्स किस किन लोगों ने इसको लिखा इत्यादि ये सब यहाँ पे डिटेल आपको दिए होंगे और इसके साथ में और भी बहुत सारे डिटेल होंगे जो आप देख सकते हैं ओके okay. अब इसके अलावा आ, हम अपने लाइब्रेरीज के जो कंटेंट्स होते हैं उसमें अगर मुझे कोई सहायता चाहिए मैं उनको देखना चाहता हूँ तो हमारे पास हेल्प फंक्शन भी होता है अब अगर मान लीजिए आपको स्पेशल लाइब्रेरीज़ में अगर आपको कोई सहायता चाहिए कि इस लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या है उसके क्या क्या डिटेल्स हैं उसको पता करना चाहते हैं तो कैसे किया जाए और ये आर में संभव है क्यों आपको याद होगा कि शुरू में हम लोगों ने बात करी थी कि आर सॉफ्टवेयर की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये ब्लैक बॉक्स नहीं है इसके अंदर जो भी कुछ है उसको हम देख सकते हैं समझ सकते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है तो उसी तरीके से अगर मुझको स्पेशल लाइब्रेरी के लिए हेल्प चाहिए तो हमारा कमांड होगा लाइब्रेरी और पैरेंथिस में हम लिख देंगे हेल्प इक्वल टू और जो भी यहाँ पर हमारा लाइब्रेरी है जैसे कि यहाँ पे हम स्पेशल लाइब्रेरी के बाद में के बारे में जानना चाहते हैं तो हम लिख देंगे स्पेशल और जब हम एंटर करेंगे तो हमको यहाँ पर देखिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि पैकेज का क्या नाम है प्रायटी है वर्जन है डेट है ऑथर्स हैं इत्यादि इत्यादि और इसके बाद आपको इसमें से और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी जैसे देखिए ये है मैंने आपको स्क्रीन दिया हुआ लेकिन इसमें और भी बहुत इन्फॉर्मेशन है जो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लोग इसमें से देख सकते हैं तो अब आपने देखा कि अगर आपके पास कोई लाइब्रेरी है तो उसमें से आपको कैसे सहायता मिलेगी अब एक बात ये आती है कि ये जो लाइब्रेरीज हमने इस्तेमाल करना इनको इस्तेमाल करना तो मैंने समझ लिया लेकिन ये आएंगी कहाँ से तो अब अगर आपको कोई भी कार्य करना है तो जैसा हम लोगों ने अभी बात करी कि जो हमारा आर का बेस पैकेज होता है उसमें खाली हमारे वही फंक्शंस कमांड्स होते हैं जो प्रायः लोग कॉमनली यूज़ करते हैं और किसी को अगर कोई एडवांस स्टेटिकल एनालिसिस करनी है या कुछ स्पेसिफिक काम करना है हो सकता है कि उसके फंक्शंस आर के बेस सॉफ्टवेयर में ना हो और हर एक पैकेज की अपनी अपनी एक आवश्यकता होती है हर एक स्टैट्सिकल एनालिसिस की अपने अपने कुछ कंडीशंस होती हैं उनकी अपनी प्रोग्रामिंग होती है तो उसके लिए हमारे पास पैकेजेस तैयार कर दिए गए हैं और उन पैकेजेस को हम डाउनलोड करके अपनी अनालिस को बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं तो देखिए यही एक आर का बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ कि अगर मुझे कोई एनालिसिस करनी है तो उसके लिए मुझे फिर से प्रोग्रामिंग नहीं करनी है मुझे खाली वाला पैकेज डाउनलोड करना है और उस पैकेज को कैसे इस्तेमाल करना है ये समझना है और वहाँ पे जो भी हमारा इनपुट डेटा है उसको देना है और उसके बाद हम जैसे ही इंटर करेंगे तो हमको उसका आउटपुट मिल जाएगा तो ये जो हमारे पैकेजेस होते हैं उनको हमको आर सॉफ्टवेयर की वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा और उनकी डाउनलोडिंग बहुत आसान होती है राइट अब अगर कोई भी पैकेज को अगर आपको अपने कंप्यूटर पर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इंस्टॉल करने के लिए पहला स्टेप है कि आप आर प्रोग्राम को स्टार्ट करिए और जो आप आपका जो आर कंसोल होता है वहाँ पे कमांड लाइन पे आप टाइप करिए इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। आई एन एस टी ए डबल एल डॉट पी ए सी के ए जी ई एस और उसके बाद में आपको उन पैकेजेस का नाम देना होगा और ये वाले पैकेज वहाँ पे आपके आर सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे राइट कैसे जैसे हम हम आपको ये उदाहरण दे करके समझाने की कोशिश करते हैं जैसे कर उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे दो उदाहरण लिए हुए हैं एक है हमारा पैकेज बूट उसका नाम है और एक दूसरा पैकेज है उसका नाम है क्लस्टर तो ये जो बूट पैकेज होता है ये हमारे स्टैटिस्टिक्स में बूट स्ट्रैप मैथोलॉलोजी को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होता है और जो भी हमारे बूट स्ट्रैपिंग करने के लिए कमांड्स होते हैं उनकी प्रोग्रामिंग करके इसको बूट पैकेज के अंदर डाल दिया गया है उसी तरीके से जो हमारी स्टैटिस्टिक्स में क्लस्टर एनालिसिस होती है तो क्लस्टर एनालिसिस करने के जो भी हमारे टूल्स होते हैं जो उनके कमांड्स होते हैं उनकी प्रोग्रामिंग करके उनको इस क्लस्टर पैकेज के अंदर डाल दिया गया है अब हम इनको अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अपने आर कंसोल में कमांड लाइन पर लिखा इंस्टॉल डॉट पैकेजेस सब कुछ लोअर केस अल्फाबेट्स में है और पैरन्थिस के अंदर मैंने लिख दिया डबल कोर्स के अंदर बूट या ऐसे ही हमने लिखा आई एन एस टी ए डबल एल डॉट पी ए सी के ए जी ई एस और पैरन्थीसिस के अंदर डबल कोर्स के अंदर हमने लिख दिया क्लस्टर तो इस वाले कमांड से हमारा बूट पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा और इस कमांड से हमारा क्लस्टर पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा और ये जब इंस्टॉल होगा तो कैसे होगा मैं आपको इनके स्क्रीनशॉट की सहायता से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो कि जो भी हमारे पैकेज का साइज होता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि पैकेज हमारा कितने समय में डाउनलोड होगा और कितने समय में इंस्टॉल होगा एक साधारण सा नियम यही है कि अगर पैकेज छोटा होगा तो वो जल्दी इंस्टॉल होगा और अगर पैकेज का साइज बड़ा होगा तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शॉट की सहायता से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें से आपको कौन कौन से स्टेप्स दिखाई देंगे आ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर यह पहले से बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर स्क्रीन शॉट की सहायता ज़्यादा ले रहा हूँ वह इसलिए क्योंकि मैंने अपने लैपटॉप पर मैंने अपने कंप्यूटर पर जो जो भी पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं वो शायद जिस कंप्यूटर पर मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या जिस कंप्यूटर पर आप काम करोगे उससे अलग होंगे इसलिए अगर मैं आपको यहाँ पर इसको करने की दिखाने की कोशिश करूँगा और जब आप उसको किसी और कंप्यूटर पर करोगे तो शायद उसमें से मैचिंग ना हो इसके लिए आपको कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है इसलिए मैं यहाँ पर खाली स्क्रीन की सहायता लूँगा अब देखिए आर कंसोल पर मैंने टाइप किया इंस्टॉल डॉट पैकेजेस और पैरेंथेसिस में मैंने डबल कोर्स के अंदर टाइप कर दिया बूट तो देखिए कुछ इस तरह से लिख के आएगा इंस्टॉल पैकेज इंस्टॉलिंग पैकेज इन टू इत्यादि इत्यादि और उसके बाद ये आपको एक ऐसी विंडो देगा जहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ के नाम लिखे होंगे और ऊपर लिखा होगा प्लीज़ सेलेक्ट अ सी आर एन मिरर फॉर यूज़ इन दिस सेशन इसका मतलब क्या हुआ आप लोगों ने देखा था पहले कि जब हमने आर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की कोशिश करी थी तब मैंने आपको बताया था कि, कि बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ने और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने आर सॉफ्टवेयर को अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और आप उसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं उसी तरीके से जो हमारे आर पैकेजेस भी होते हैं उन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर अपलोडेड होते हैं तो जब आप किसी पैकेज को डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपसे पूछता है कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है तो उसमें से ऑस्ट्रेलिया में है कैनेबरा ऑस्ट्रेलिया में है मेलबर्न वन ऑस्ट्रेलिया में है मेलबर्न टू ऑस्ट्रेलिया में है पर्थ ऑस्ट्रिया बेल्जियम ब्राज़ील इत्यादि आप कहीं से भी चूज़ कर सकते हैं इसको तो जब आपने यहाँ से चूज़ किया उसके बाद आपको कुछ ऐसी स्क्रीन शॉट पर दिखाई देगा राइट right. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर लिखा हुआ है पाथ सी कोलन यूजर शलब डॉक्यूमेंट्स इत्यादि अब जिस कंप्यूटर पर मैं आज काम कर रहा हूँ और जिस कंप्यूटर पर आज का आप काम करेंगे वहाँ तो ये नाम नहीं लिखा होगा इसीलिए आपको बस केयरफुल रहना है कि आपको प्रोसेस को समझना है और जो उसमें एग्जैक्टली लिख करके आ रहा है ये अलग अलग हो सकता है आप जब इसकी विंडो देखेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर इस तरह की प्रोसेस दिखाई देगी जहाँ पे धीमे धीमे करके आपका ये सॉफ़्टवेयर डाउनलोड होता जाएगा कैसे इसमें लिखा हुआ है सिक्सटी वन परसेंट डाउनलोडेड कहाँ से इस वाली साइट से ओके okay. और साथ में कुछ यहाँ पर भी लिख करके आता रहेगा इसके बारे में इसका लेंथ और इसका साइज़ इत्यादि और फाइनली जब ये हंड्रेड परसेंट डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद ये खुद खुद इंस्टॉल भी हो जाएगा और उसके बाद में कुछ आपको यहाँ पे इस तरह के मैसेज आएंगे फाइनली आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर लिख करके आएगा पैकेज बूट सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड एम डी फाइव चेक्ड तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये जो वर्ड है सक्सेसफुली इस पर ध्यान देना है कि आपका पैकेज सही तरीके से इंस्टॉल और डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ है कभी कभी चूँकि ये, ये डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन से डाउनलोड होता है तो कभी कभी इंटरनेट की समस्या के कारण पैकेज आपका ठीक से डाउनलोड नहीं होता है तो ठीक से इंस्टॉल भी नहीं हो पाता है लेकिन उस केस में आपको यहाँ पर जो भी मैसेज दिखाई देगा उसको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि आपका पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है और उसी तरीके से अगर हम क्लस्टर एनालिसिस की बात भी करते हैं उसके लिए हमको क्लस्टर पैकेज चाहिए तो जब हम इंस्टॉल डॉट पैकेजेस और पैरेंथिस में डबल कोर्स में क्लस्टर टाइप करते हैं अपने आर कंसोल पर तो भी हमको कुछ इसी तरह का मैसेज दिखाई पड़ते हैं और इस तरह की विंडो आती है जहाँ से हमको ये पता चल जाता है कि हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्टी डाउनलोडेड और अंततः इंस्टॉल ये पैकेज अपने आप से हो जाएगा पहले डाउनलोड होने के बाद में कुछ समय लगेगा कुछ आपको दिखाता रहेगा कि प्रोसेस हो रही है उसके बारे में आपको कोई चिंता नहीं करनी है ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है और फाइनली आपको ये देखना है कि जैसे आपको इस तरह का मैसेज दिखाई देगा पैकेज क्लस्टर सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड एम डी फाइव सक्सेसफुली वर्ड पर ध्यान दीजिए इसका होना वहाँ पर बहुत आवश्यक है और जब ये आ जाएगा तो आप ये मान सकते हैं कि क्लस्टर पैकेज आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो गया है फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल हुआ है आपको अगर इस्तेमाल करना है तो उसके बाद में आपको लाइब्रेरी का कमांड यूज़ करना पड़ेगा जैसे कि लाइब्रेरी बूट या लाइब्रेरी क्लस्टर उसके बाद में आपको ये पैकेज इस्तेमाल के लिए आएगा अब एक सवाल ये आता है कि हम ये सपोज जानना चाहते हैं हम आ, कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से पैकेजेस इसमें इंस्टॉल्ड हैं जैसे कि समय के साथ में हमको जो जो भी पैकेजेस काम पकड़ते जाते हैं हम उनको इस्तेमाल करते जाते हैं हम उनको डाउनलोड करते जाते हैं तो इस इंफॉर्मेशन को देखने के लिए हमारे पास कमांड होता है इंस्टॉल डॉट पैकेजेस आई एन एस टी ए डबल एल ई डी डॉट पी ए सी के ए जी ई एस और जब आप इसको करेंगे तो आपको देखिए कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जैसे देखिए ये इसका स्क्रीन शॉट है यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देगा जैसे कि वर्जन और पैकेजेस जैसे बेस पैकेज बूट पैकेज क्लस्टर एंड उसके बाद में फिर यहाँ पे इनका पैकेज का नाम उनकी लोकेशन इत्यादि इस तरह की इन्फॉमेसन आपको यहाँ पर मिल जाएगी ओके उसी तरीके से अब आपने किसी पैकेज को डाउनलोड किया है और अगर आप सारे के सारे पैकेजेस को रखते रहेंगे तो वो आपके कंप्यूटर और लैपटॉप पर स्पेस भी लेता रहेगा तो आप समय के साथ में जिन पैकेजेस को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप उनको अपने कंप्यूटर से हटाने भी चाहेंगे तो किसी पैकेज को हटाने का हमारा कमांड होता है रिमूव डॉट पैकेजेस आर ई एम ओ वी ई डॉट पी ए सी के ए जी ई एस सभी कुछ हमारा लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में और पैरेंथिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर आपको उस पैकेज का नाम लिखना है जिस पैकेज को आप हटाना चाहते हैं जैसे कि अगर हम ली अपने इस क्लस्टर पैकेज को हटाना चाहते हैं तो हमको टाइप करना पड़ेगा रिमूव डॉट और पैरेंथिस में डबल कोर्स के अंदर लिखना पड़ेगा क्लस्टर और इसके बाद जब हम एंटर करेंगे तो ये पैकेज हमारे आर सॉफ्टवेयर से हट जाएगा अब उसके बाद में अगर आपको फिर से इस्तेमाल करना है तो आपको पूरा पूरा इंस्टॉलेशन फिर से करना पड़ेगा अब जब भी हम किसी पैकेज को यूज़ कर रहे होते हैं तो समय के साथ में जो भी उस पैकेज के ऑथर्स होते हैं वो समय के साथ में जो डेवलपमेंट्स होते हैं उसको उसके अंदर इनकापोरेट कर देते हैं तो वो पैकेज को अपडेट किया जाता है तो वो अपडेटेड पैकेज आर वेबसाइट की पर वो डाल देते हैं अब अगर आप उस पैकेज को अपने कंप्यूटर पर अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड हमारा होता है अपडेट डॉट पैकेजेस यू पी डी ए टी ई डॉट पी ए सी के ए जी ई एस उदाहरण के लिए अगर मैंने मैंने अपने कंप्यूटर पर क्लस्टर पैकेज को इंस्टॉल किया हुआ है और मैं उसको अपडेट करना चाहता हूं तो हमको लिखना है अपडेट डॉट पैकेजेस और पैरेंथिस में डबल कोर्स के अंदर लिखना है क्लस्टर सी एल यू एस टी ई आर और उसी तरीके से आप अगर इसको लिखेंगे तो देखिए इसी तरह की प्रोसेस यहाँ से भी आएगी वो आपसे पूछेगा प्लीज़ सेलेक्ट आर सी आर ए एन मिररर फिर आप में से कोई भी कंट्री को चूज़ कर लीजिए और उसके बाद में आप उसमें से आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके पैकेज को अपडेट कर देगा रिमेंबर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर पैकेज आपके कंप्यूटर से हटेगा नहीं खाली अपडेट होगा जैसे आप बाकी किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं उसी तरीके से यह भी अपने आप से अपडेट हो जाएगा इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका भी है कि हम अपने आर जी विंडो पर जा सकते हैं यहाँ पर एक हमारे देखिए ऑप्शन होता है पैकेजेस यहाँ पे लोड सेट सी आर ई एन मरर सेलेक्ट रिपोजटरी उसी में से एक होता है अपडेट पैकेजेस आप यहाँ से भी जा कर के कर सकते हैं तो यह मैं आपको देखिए करके मैं दिखाता हूँ कि अगर आप इस तरह का करेंगे तो आपको आर कंसोल पर कैसे कर पाएंगे लेकिन उसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने किसी भी पैकेज को अगर इस्तेमाल करना है तो पहला स्टेप में क्या था आपने उस पैकेज को इंस्टॉल किया दूसरे में आपने उसको लाइब्रेरी फंक्शन से अपलोड किया आपने उसको इस्तेमाल कर लिया यूज़ कर लिया अब आपका काम ख़त्म हो गया अब थर्ड स्टेप क्या है कि आप इस पैकेज को अनलोड करना चाहते हैं एक चीज़ में आपको फिर से याद दिलाऊंगा मैं यहाँ पे अनलोडिंग की बात कर रहा हूँ मैं इसको हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपने जो भी लाइब्रेरी कमांड से लोड किया है उसको आप हटाना चाहते हैं सो जैट कि आपकी मेमोरी फ्री हो जाए आपकी वहां पे स्पेस हो जाए सो डैट कि आपकी प्रोसेस अच्छे से काम करे उसके लिए हमारा कमांड होता है डी ई टी ए सी एच सब लोअर केस अल्फाबेट्स में पैरेंथिस के अंदर आपको डबल कोर्स के अंदर आपको इस पैकेज का नाम लिखना है पैकेज कोलन क्लस्टर के जैसे कि अगर हम क्लस्टर पैकेज को अटैच करने की या अनलोड करने की कोशिश करें तो और उसके बाद में लिखना है कि अनलोड इज़ इक्वल टू ट्रू अब जब आप आप ऐसा अपने आर सॉफ्टवेयर पे करेंगे आर कंसोल पे करेंगे तो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा आप कि सबसे पहले मैंने लाइब्रेरी क्लस्टर से इस क्लस्टर पैकेज को लोड किया अब उसके बाद में मैंने इसको कैटैच कर दिया और जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया देखिए यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं आई लेकिन अगर हम इसी कमांड को फिर से रिपीट करने की बात करते हैं तो देखिए ये हमको कह रहा है अरर क्यों क्योंकि जब आप इस पैकेज को लाइब्रेरी से लोड करेंगे तभी तो अनलोड करेंगे आपने तो यहाँ पे अनलोडिंग की बात करी है लेकिन यहाँ पे आपने लोडिंग की बात तो करी ही नहीं है क्योंकि आप इसको पहले से हटा चुके हो तो जो पैकेज लोडेड ही नहीं है तो वो अनलोड कैसे होगा इसलिए यह आपको यहाँ पर अरर मैसेज दे रहा है अब मैं आपको देखिए आर कंसोल में ये कुछ चीज़ें करके दिखा देता हूँ कि आप अगर देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा जैसे देखिए आप यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है पैकेजेस अब देखिए यहाँ पर है लोड पैकेज राइट right. आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें सारे सारे पैकेजेस के नाम आ गए आप इसमें से यहाँ से लोड कर सकते हैं मैं इसको कर नहीं रहा हूँ आपको खाली दिखा रहा हूँ उसी तरीके से ये है सेट सी आर एन मिरर ये क्यों होता है कि आप हर बार कभी ऑस्ट्रेलिया चूज़ करते हैं कभी या बेल्जियम यूज़ करते हैं तो आपने कर दिया कि ठीक है हम इसको यहाँ पर एक ही कोई भी कंट्री है हम उसको वहीं से डाउनलोड करेंगे बार बार आपने उसको सेट कर दिया उसी तरीके से आपने कर दिया इंस्टॉल डॉट पैकेजेज जो मैंने आपको करके दिखाया है वही चीज़ देखिए यहाँ पर अपने आप से वो आ गई इसके बाद में ये जो आपकी कंट्रीज हैं, आप यहाँ से कोई भी कंट्री को आप चूज़ कर सकते हैं और अपने पैकेज को आप अपडेट कर सकते हैं उसके अलावा देखिए एक चीज़ और भी है यहाँ पर इंस्टॉल पैकेजेस फ्रॉम द लोकल लाइब्रेरी इसका मतलब पता है क्या है कभी कभी जब हमको कोई समस्या आती तो हम इन पैकेजेस को अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद में इस कमांड के थ्रू इंस्टॉल पैकेजेस फ्रॉम द लोकल डायरेक्टरी करके हम जहाँ पर हमारा डाउनलोडेड पैकेज रखा हुआ है हम उसको ला सकते हैं और वहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा पैकेज अपने आप से इंस्टॉल हो जाएगा ओके तो अब हम इस लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं लेकिन समाप्त करने के पहले हम आपको कुछ और बातें बताना चाहेंगे ये जो कुछ भी मैंने कमांड्स यहाँ पे किए हैं इसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है आर स्टूडियो उसके थ्रू भी करने की कोशिश करेंगे और वहाँ से आप देखेंगे कि इसको करना बहुत आसान होता है लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको आर सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है तो मैं जो भी कुछ आपको बताना चाहता हूँ मैं आपको आर सॉफ्टवेयर के अंदर ही उसको बताना चाहता हूँ मैं आपको किसी सॉफ़्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट करना नहीं चाहता हूँ दूसरी बात आप ये जब पैकेजेस आप इंस्टॉल करते हो तो ये आपके खाली लोकली इंस्टॉल होते हैं मतलब कि अगर आपके पास मानी एक कंप्यूटर आपके ऑफिस में है और एक और कहीं रखा हुआ आपके हॉस्टल में घर पे रखा हुआ है तो अगर आपने किसी पैकेज को अपने ऑफिस के कंप्यूटर पर इस्तेमाल किया है तो वो वहीं पे आप उससे काम कर सकते हैं आप अगर चाहें कि आपने क्लस्टर एनालिसिस के लिए क्लस्टर पैकेज को अपने ऑफिस में इस्तेमाल किया है और आप उसको अपने हॉस्टल या घर के कंप्यूटर पर अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा जब तक कि आप उस क्लस्टर पैकेज को उसी कंप्यूटर पर फिर से इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आज मैंने आपको जो छोटे छोटे कमांड्स बताए हैं आप इनकी एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए कुछ और इसमें से ऑप्शंस लीजिए आप उन पैकेजेस को इंस्टॉल करिए रिमूव करिए अपडेट करिए इत्यादि और देखिए कि क्या होता है और आप इन कमांड्स की प्रैक्टिस करिए अगले टर्न पर मैं आपको कुछ और बेसिक कमांड्स के साथ में लेकर के फिर से आऊँगा तब तक के लिए गुड बाय